हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा मैं पहले ही आप लोग को पार्ट वन दे चुका हूं प्रेजेंट टेंस का, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं पार्ट टू, जिसमें आप लोग का पास्ट टेंस का पूरा पूरा क्लियर करके आप लोग को दे दूंगा। बस आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, जैसा कि पूरा पूरा आप लोग का प्रेजेंट क्लियर हो गया। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लेना उस वीडियो को, क्योंकि उसमें प्रेजेंट टेंस का आप लोग का पूरा क्लियर करके दे दिया। अब मैं आप लोग को आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सिंपल सा क्या होता है कि पास्ट टेंस का भी जो हम लोग का बीता रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के भी कितने टाइप्स हैं? चार। अब इसे मैं लिख देता हूं पास्ट सिंपल टेंस, यहां पे पास्ट इस तरीके से आप लोग का चार रहता है। क्या रहता है? पास्ट टेंस का चार टाइप्स है। कौन कौन सा? पास्ट टेंस। अब उसके बाद आप लोग का यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से चार है। अब इसमें चारों का मैं एक एक करके पूरा आप लोग का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव का सब बताने वाला हूँ हर चीज। इसके लिए बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो देखो और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करो। सबसे पहले क्या होता है, इधर ध्यान से देखोगे तो मैं एक एक करके बताता हूँ आप लोगों को पास्ट सिंपल टेंस। पहले ये स्टार्ट करता हूँ पास्ट सिंपल टेंस, और आप लोगों को पहले से स्ट्रक्चर याद हो चुका है क्या है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लोगों का मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। याद रखना यही है, पहले सब्जेक्ट, फिर आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर हमेशा याद रहना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का आता है पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस का सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, अगर वो चीज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, मतलब मैं बोलता हूं मैं जाता था, मैं यहां पे मैं बोला मैं जाता था, मैं यहां पे लिख देता हूं जाता था। अब देख रहे हो यहां पे मैं जाता था, तो ये सिंपल सेंटेंस है, मैं जाता था, तो ये वर्ड कैसा बनेगा? इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस, आप लोग ध्यान से देखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, बस यही आप लोग को इसमें करना है। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस इतना ही करना रहेगा इसके अंदर जब अफर्मेटिव रहेगा। और अगर मैं इसी का निगेटिव बनाऊंगा तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? ध्यान से सुनना, मेन वर्ब का यहां पे अगर मैं इसी को निगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं घर, मैं नहीं जाता था, ये हो जाएगा। तो आप लोग का इसका एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनेगा। क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किस कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव था तो बस सिंपल था। अब इसे अगर इसका इंग्लिश भी मैं बनाऊं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई आप लोग को लिखना है, आई। आई के बाद क्या करना है? यहाँ पे देखो वर्ब का क्या करना है? सेकेंड फॉर्म, तो गो वेंट होता है। क्या होता है? वेंट, डब्ल्यू एन टी, वेंट, आई वेंट हो गया आप लोग का इंग्लिश। अगर यहीं पे बोला होता मैं घर जाता हूं तो क्या? घर जाता था, मैं घर जाता था तो क्या हो जाता? आई वॉन्ट टू, आई वेंट टू होम, टू होम आ जाता। तो सिंपल तरीका ए हो गया आप लोग का यहाँ पे। अगर मैं नहीं जा, अब यहाँ पे देखो नॉट आएगा, पहले क्या आएगा ध्यान से देखना, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ए याद रखना, क्योंकि हम लोग ये निगेटिव बना रहे। तो यहाँ आई डिड नॉट गो, बस हो गया, आई डिड नॉट गो। इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑन द स्पॉट यहाँ पे पहले अफर्मेटिव तो हम लोग का सेकंड फॉर्म यूज किया, और जहां इसका निगेटिव बनाया ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा? सिट डिड है, सिप क्या है? डिड है हेल्पिंग वर्ब,
और चाहे सिंगुलर है चाहे प्यूरल, आई वी दे यू प्लस ही सी इट सबके साथ क्या लगाना है, डिड, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का यहां पर भी एक क्लियर हो जाता। अब उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो मैं यहां पे तो सिंपल से क्या हो जाएगा, क्या क्या मैं जाता था, क्या मैं जाता था, सिंपल सा क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड 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 के बाद सीधा डिड आई गो, डिड आई गो हो गया, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को निगेटिव इंट्रागेटिव निगेटिव बनाना हो तो सिंपल तरीका है कि भैया कि डिड आई नॉट गो, देखो कितना इजी है, कितना इजी है, बस आप लोगों को क्या बोला मैं जाता था, तो भाई ये सिंपल सेंटेंस था पास्ट का, तो उसमें क्या होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, कौन सा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या होता है उसका रोल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं जाता था, आई वेंट गो वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, बस हो गया। अगर यही ऑब्जेक्ट रहता तो टू होम आ जाता, टू स्कूल, टू कहीं भी जा रहे हो विलेज, तो यहाँ पे आ जाता। उसके बाद अगर मैं निगेटिव बनाता हूँ, मैं नहीं जाता था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, उसके बाद आप लोग का नॉट लगाना, उसके बाद आप लोग का जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना, इससे ये नहीं देखना एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड। तो सिंपल सा डिड आप लोग यूज करो, सिंगुलर हो या प्यूरल सबके साथ। अब उसी का इंट्रागेटिव बना दिया, तो इंट्रागेटिव में क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या में क्या आता है कि सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, प्लस क्या का स्पेलिंग नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लोग का आता है सब्जेक्ट, फिर आप लोग का आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो सिंपल सा डिड आई गो क्वेश्चन मार्क। अब इसका अगर इंट्रागेटिव निगेटिव बनाऊ तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट आता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आप लोग का मेन वर्ब, प्लस आप लोग का क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट नहीं दिया था इसके लिए यहां तक किया। तो याद रखना इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, क्या होता है डिड होता है पास्ट सिंपल टेंस का। ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना, जब सिंपल रहेगा तो हम लोग का मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, अगर आप लोग का निगेटिव बना तो ऑन द स्पॉट मेन वर्ब का आप लोग का फर्स्ट फॉर्म और डिड का यूज कर लेना। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आप लोग को सेकंड बताता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब यहां पे देखोगे आप लोग सिंपल सा, अब यहाँ पे मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताऊं तो आप लोगों को सिंपल सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या जानना है हेल्पिंग, कभी भी कोई भी कंटिन्यूअस है उसका मेन वर्ब याद रखना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ेगा। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर, वॉज और वर होता है, वॉज कहां यूज होता है, वर कहां यूज होता है, उसको आप लोग को जानना पड़ेगा वॉज और वर। तो वॉज कहां होता है हम लोग का सिंगुलर, ही सी इट और नाम के साथ, और यहां पे वर का यूज होता है आई वी दे यू। याद रखना जहां प्यूरल वर्ड आएगा तो वहां पे हम लोग का क्या यूज हो जाएगा वर, और जहां पे सिंगुलर वर्ड आएगा वहां पे क्या यूज हो जाएगा वॉज, ए हो जाता है। और इसका है जो मेन वर्ब का फंडा है, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आप लोग का यहाँ पे आई एन जी जुड़ जाता है, इस तरीके से आप लोग इजिली जोड़ सकते हो। अब मैं आप लोग को बताता हूँ इसके अंदर किस तरीके से सेंटेंस बनता है। इसको आप लोग याद हो गया रहेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहता है वॉज रहता है, और आप लोग का वर रहता है। वॉज कहाँ यूज होता है, जहां पे सिंगुलर पर्सन के साथ, वास्क वेयर कहां यूज होता है वर, वहां पे आप लोग का जहां पे क्या हो प्यूरल वर्ड हो और मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होता है। तो इसको रब करता हूं और आप लोग को एग्जांपल लेके आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले यहां पे देखोगे एक सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं, राधा घर जाती, राधा घर जा
रही थी। अब यहां रही थी, रहा था, ए वर्ड यूज होगा। तो सिंपल तरीका आप लोग को बता दिया, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल तरीका आप लोग बना सकते हो, ए अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव कैसे करोगे, तो याद रखना सबसे पहले राधा, आर ए डी एच ए राधा हो गया, उसके बाद क्या करना, अब यहाँ राधा नाम है तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉज, वॉज आ गया। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, इसे जाना, काम क्या करे, जाने का, तो जाने का स्पेलिंग क्या होता है, गो। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस का बात किया जाता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई एन जी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आई एन जी, राधा वॉज गोइंग टू होम। बस यहाँ पे सिंपल तरीका आप लोग बोल सकते हो, राधा वॉज गोइंग टू होम, और उसके अंदर इस वर्ड आप लोग क्या कर सकते हो, इसका निगेटिव बना सकते हो। तो सिंपल तरीका हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट का यूज करना है, तो राधा राधा वॉज नॉट गोइंग टू होम, बस सिंपल तरीका। अगर इसी को मुझे क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव का भी आप लोग को याद है, सिर्फ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सिंपल तरीका से वॉज है तो वॉज हो जाएगा, वॉज, उसके बाद आप लोग का सब्जेक्ट राधा, यहाँ पे राधा हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब क्या होता है, गोइंग, गोइंग टू होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाना 100%। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या होता है, बस वही सेम आप लोग का करना है, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, आप लोग का ए भी क्लियर हो जाएगा, टू होम। देख रहे हो, इतना बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग का पूरा हो गया, राधा घर जा रही थी, राधा वॉज गोइंग टू होम, राधा घर जा, राधा घर घर नहीं जा रही थी, राधा वॉज नॉट गोइंग टू होम, क्या राधा घर जा रही थी, वॉज राधा गोइंग टू होम। अब यहाँ पे क्या राधा घर नहीं जा रही थी, वॉज राधा नॉट गोइंग टू होम। सिंपल सा आप लोग कुछ भी प्रैक्टिस बस करोगे ना तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना एक वर्ड, और लास्ट तक वीडियो देखोगे तो एक चीज बताऊंगा जो आप लोगों को लाइफ टाइम में यूज होने वाला है, इसके लिए बोलता हूँ पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे पास्ट वाले में क्या रहता है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ड होता है, बस हैड होता है, क्या होता है, हैड, चाहे सिंगुलर रहे, आई वी दे यू, उसके बाद ही सी इट, या तो नाम, सबके साथ क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। और आप लोग का मेन वर्ब में, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बस हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज करो, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजी आप लोग को बता दिया, बस इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा, इजिली आप लोग कर सकते हो, हैड है और आप लोग का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी परफेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। अब स्ट्रक्चर आप लोग का ऑलरेडी याद हो चुका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें भी आप लोगों ये क्वेश्चन ले लिया जाए, तो यहाँ पे सपोज मान लो मैं पत्र लिखता लिख चुका था, मैं पत्र 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 लिख चुका था। तो लिख चुका था तो इसमें मेन वर्ब का देखो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के बाद काम क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, कोई और टेंशन ही नहीं लेना क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हैड आ जाएगा। हैड के बाद ऑन द स्पॉट आप लोग क्या है कि इसमें लिखने का स्पेलिंग क्या होता है, राइट रोट रिटर्न होता है, राइट रोट रिटर्न। तो रिटर्न देखो यही चीज मैं आप लोग को बता रहा था कि आप लोग के लिए पूरा पूरा मैं आप लोग को देने वाला हूं, जितना आप लोग का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है इंग्लिश में, उस तरीके से मैं आप लोग को पीडीएफ बना के देने वाला, बस आप लोग को पूरा वीडियो देखना और आप लोग कमेंट करना कि अगर आप लोग को चाहिए तो 100% पूरा पूरा इस तरीके से पीडीएफ दे दूंगा जो आप लोग पूरा पूरा याद कर लिए तो आप लोग का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा कि कौन सा होता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म।
इसके लिए बोला कि आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखो और आप लोग को बताऊंगा कब देने वाला हूं आप लोग को इसका पीडीएफ और वो कहां मिलेगा वो भी चीज। अब यहां पे आई हैड उसके बाद क्या होता है कि हैड राइट रोट रिटर्न और यहां आई मतलब यहां पे सब्जेक्ट हो गया आई और उसके हैड हो गया। अब यहां क्या कर रहा है यहां पे राइट रोट रिटर्न डबल टी ई एन रिटर्न। अब उसके बाद आप लोगों को जस्ट क्या करना है अ लेटर बस हो गया आई हैड रिटर्न अ लेटर आई हैड रिटर्न अ लेटर। सिंपल सा मेनर का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा ए थर्ड ए सेकेंड और ए फर्स्ट। याद रखना इस तरीके से मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ बना के जल्दी से जल्दी देने वाला हूं बट आप लोग को क्या करना है जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना है। अब इसे अगर मैं यही चीज बनाऊंगा निगेटिव तो आई हैड मैं पत्र नहीं लिख चुका था आई हैड नॉट डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन लेटर बस यहां पे भी हो गया। अब इसका मुझे क्या बनाना है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में क्या से स्टार्ट होता है इंट्रागेटिव में क्या से तो हैड आ जाएगा पहले हैड आई रिटर्न रिटर्न अ लेटर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इसका इंट्रागेटिव निगेटिव अगर मैं बनाऊं तो हैड आई नॉट रिटर्न रिटर्न अ लेटर। इस तरीके से आप लोग इजिली पूरा कर सकते हैं। इसमें बस आप लोग का पास्ट का कभी भी परफेक्ट कोई भी रहेगा तो आप लोग सिंपल से क्या करना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और आप लोग का कभी भी कंटिन्यूअस आया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ो बस आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पास्ट जो आप लोग का टेंस होता है पास्ट सिंपल टेंस उसमें आप लोग का सेकेंड फॉर्म यूज होता है याद रखना। आप लोग का ये भी क्लियर हो गया रहेगा तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मैं आप लोग को दूसरा बताता हूँ क्योंकि पास्ट बहुत ईजी है क्योंकि इसे हेल्पिंग वर्ब ज्यादा यूज नहीं किया गया। अब इसको भी आप लोग लिख लिए रहोगे तो मैं इसको रब करता हूं। अब यहां पे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है उसको मैं आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ए इसे सब यूज हो जा रहा है बट यहां पे सिंस और एक फॉर इसका सिंस कहा फिक्स टाइम और यहां पे फॉर नॉट फिक्स याद रखना। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल तरीका एक ही तो है हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड बीन और उसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बस हो गया आप लोगों का सिंपल तरीका। अब एक क्वेश्चन ले ही लिया जाए तो इससे मैं अगर बोलता हूं मैं राजा दो बजे से राजा दो बजे से पढ़ लिख रहा है लिख रहा था बस राजा दो बजे से लिख रहा था तो इसका आप लोग भी तुरंत आंसर इस वर्ड चेंज कर सकते हो फटाक से इसका क्या हो जाएगा। बस सिंपल तरीका वही चीज जहां पे मैं आप लोग को बताऊं उससे मैं आप लोग का प्रेजेंट देखे रहोगे तो आप लोग इजिली कर सकते हो बस आप लोग को हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चाहिए उसके बाद आप लोग इजिली अपने चेंज कर सकते हो। बस यहाँ पे था शब्द आता है और इसमें सब टाइम भी दिया रहता है प्लस आप लोग को कंटिन्यूअस भी रहता है और आप लोग का पास्ट का भी रहता है और परफेक्ट मतलब टाइम दिया रहता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले राजा आ जाएगा सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसमें राजा के बाद हैड आ जाएगा हैड बीन के बाद जस्ट आप लोग को क्या करना है राजा हैड बीन। अब आता है क्या काम क्या करे लिखने का तो डब्ल्यू आर आई डबल टी डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग और यहाँ पे बस राइटिंग और दो टू और यहाँ पे देखो दो बजे दिया है तो यहाँ पे सिंस और यहाँ पे दो बजे सिंस टू ओ क्लॉक बस ओ क्लॉक लिख सकते हो
ओ क्लॉक लिख दोगे तो सिंपल सा ओ बस ओ क्लॉक। और यहाँ पे सेकंड आप लोग का अगर इसका निगेटिव बना रहे हो तो सिंपल सा बस राजा हैड और राजा हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस टू बस। और उसके बाद अगर उसके बाद आप लोग दूसरा बना रहे हो इंट्रागेटिव तो इंट्रागेटिव क्या होता है राजा पहले क्या आ जाता है हेल्पिंग और हैड आ जाएगा बट बीन नहीं आएगा हैड आएगा हैड के बाद सिंपल से यहाँ पे राजा राजा हो जाएगा। राजा के बाद जस्ट आप लोग को क्या करना है यहाँ पे बीन लगाना है बीन लगा दिए उसके बाद जस्ट आप लोग को राइटिंग लिखना है राइटिंग और उसके जस्ट आप लोग का सीन देख रहे हो कितना इजी है। क्लॉक हो गया अब उसके बाद यहाँ पे 2 बजे से था तो मैटर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और उसके बाद जस्ट इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो आप लोग सिंपल सा हैड राजा राजा और इस नॉट बीन राइटिंग राइटिंग बस यहाँ पत्र लिखा होता तो भी चलता बट यहाँ पत्र में लिखा नहीं था बस राइटिंग लिखा मतलब सिर्फ मेन वर्ब लिखा था ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था नहीं तो यहाँ राजा 2 बजे से पत्र लिख रहा है तो हो जाता राजा 2 बजे से लिख रहा है सिंपल सा सिर्फ मेन वर्ब दिया था हैड राजा नॉट बीन राइटिंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो प्रेजेंट था पास्ट था वो क्लियर कर दिया मैं। और आप लोग का नेक्स्ट जो वीडियो मिलने वाला है आप लोग का फ्यूचर टेंस मिलने वाला है बस आप लोग को क्या करना है जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।